और पहले भैया चले गए थे गलत दुकान पे, नकली दुकान पे। तो आप भी जब भी आओगे तो असली दुकान वही है जहाँ पर मैं खुद मिलता हूँ। 100 बातों की एक बात। तो आज आपको दिखाऊंगा, आप दोस्तों अपने सामने BMW G310 RR, सारी मॉडिफिकेशन इसमें हो रखी है, चाहे एग्जॉस्ट हो या फिर स्लाइडर हो या फिर इसमें आप देखते हो फोर्क प्रोटेक्शन हो, तो फोर स्लाइडर लुक देने के लिए। और अगर आप और इसके नीचे आप देखोगे तो हमने लगाई है फॉग लैंप्स, जो कि पता नहीं चल रही होगी जब आप नीचे देख रहे हो सकते हो। इसमें एक येलो का फोकस मिल जाएगा, एक वाइट का मिल जाएगा, एक किट बन गया है और बिल्कुल कंपनी वाला फील आएगा इसमें। और नेविगेशन के लिए आप किसी भी तरीके का मोबाइल इसमें लगा सकते हो। कवर विद कुशनिंग के साथ में इसमें ऐड हुए हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी अपने पास प्रॉपर वाला क्रैश गार्ड भी मिल जाएगा अगर आप लगवाना चाहते हो। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम है सिकंदर। आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल SKD बाइक वर्ल्ड। तो आज आपको दिखाऊंगा आप दोस्तों अपने सामने BMW G310 RR और फुल ऑन मॉडिफिकेशन के साथ। जैसा कि आप यहां पर देखोगे तो ये A to Z 1 to 2 सारी मॉडिफिकेशन इसमें हो रखी है, चाहे एग्जॉस्ट हो या फिर स्लाइडर हो या फिर इसमें आप देखते हो फोर प्रोटेक्शन हो, तो फोर स्लाइडर्स वगैरह होगा। तो एक एक करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले फ्रंट में आप देखो यहाँ पर विंगलेट लगाई है हमने थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने के लिए। और अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको ये वैसे तो कुछ भी नहीं है लेकिन छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब आप इसको लगवाते हो तो काफ़ी अच्छी लगती है। और इसके नीचे आप देखोगे तो हमने लगाई है फॉग लैंप्स, जो कि पता नहीं चल रही होगी जब आप नीचे देख रहे होगे तब पता चलेगी, या जब आप इसको ऑन करोगे तब पता चलेगी। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, इसमें एक येलो का फोकस मिल जाएगा, एक वाइट का मिल जाएगा। मिनी ड्राइव है जो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये देख सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा अंदर अगर आप देखोगे तो रेडिएटर ग्रिल लगाई है हमने, ताकि आपका रेडिएटर सेफ़ रहे और किसी तरीके के रस्ट का इशू नहीं आता लाइफ टाइम तक। और सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए, लुक को इन्हांस करने के लिए फोर प्रोटेक्शन एंड फोर स्लाइडर्स लगाए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, गोल्डन गोल्डन गोल्डन, तो पूरा एक किट बन गया है और बिल्कुल कंपनी वाला फील आएगा इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेम स्लाइडर्स लगाए हैं, ताकि आपके किसी तरीके की फेयरिंग में दिक्कत ना आए, डैमेज ना हो, कभी गलती से भी बाइक गिरता है। और यहाँ पर देखोगे तो सिमटेक का मोबाइल होल्डर विद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, बहुत ही ज़बरदस्त। और नेविगेशन के लिए आप किसी भी तरीके का मोबाइल इसमें लगा सकते हो। ये देखो यहाँ से आपका जो है केबल लगेगा और ये चार्ज हो जाता है, ठीक है जी। इसी तरीके से गाइस अगर आप यहाँ पर देखो तो टैंक पैड थाई पैड का कॉम्बो लगाया है छोटा सा कार्बन फिनिश के साथ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लुक आया है, देख सकते हो। सीट कवर विद कुशनिंग के साथ में इसमें ऐड हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो ये भी बहुत ज़्यादा कुशनिंग के साथ इसमें फॉर्मिंग वगैरह की गई है, क्योंकि इसकी जो सीट है वो आप लोगों को पता है कंफर्टेबल नहीं है। और इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराने के बाद जब आप बैठोगे तो ये लुक आएगा। देखो गाइस थोड़ा दूर से दिखाना भैया, ये देखो। तो ये स्लाइडर जो है आपके फेयरिंग, आपके लेग्स को भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी अपने पास प्रॉपर वाला क्रैश गार्ड भी मिल जाएगा अगर आप लगवाना चाहते हो। और एक और चीज़ जो आप लोग सोच रहे हो अब तक मैंने दिखाई क्यों नहीं, फुल एग्जॉस्ट सिस्टम फॉर एक्रोपॉबिक R1M, देख सकते हो ये लगा रखा है फुल्ली कार्बन। इसका साउंड मैं आपको सुना देता हूँ, वैसे तो डीवी कलर लगा हुआ है। और फुल सिस्टम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बैंड पाइप भी लगाया है, वो भी इंपोर्टेड वाला विद सेंसर के साथ। ये देखो जब भी आप लगवाओगे ये सेंसर, आप इस जगह पर दिखाना सेंसर लगा हुआ है, तो वो सेंसर ज़रूर देख लेना। काफ़ी सारे लोग बैंड पाइप लगा देते हैं और बाइक को कर देते हैं ख़राब, तो सेंसर लगना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपने लगवाना है तो बैंड पाइप के साथ ही लगवाना है, एग्जॉस्ट सिस्टम चाहे कोई भी लगवाओ। ये इसका स्टॉक वाला आ गया है, अब ये जब भी आपने लगवाना हो इसको हटा देना, ये वाला लगा लेना, या फिर इसको हटा के ये लगा लेना, या इसको लगा के वो लगा लेना, जो मर्जी कर लेना, क्योंकि ये इसका पूरी की पूरी हमने किट निकाल दी है, जिससे किसी तरीके की बाइक की इंजन पर या फिर गारंटी वगैरह ख़त्म नहीं होती इसकी, ठीक है जी। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और है छोटी मोटी, तो बात करते हैं भाई से कैसा लगा काम। पहली बार आए हो भाई, तो बताओ काम कैसा लगा? काम तो बहुत बढ़िया है, अच्छा हुआ, काम अच्छा हुआ। हाँ, बस थोड़ा सा एग्जॉस्ट में कंफ्यूजन है, देख के मैं बहुत वीडियो आपका देखता हूँ, अच्छा इसलिए आया हूँ। थैंक यू भाई। और एक्चुअली मेरा गांव है वेस्ट बंगाल से हूँ, अच्छा, लेकिन दिल्ली से अभी बाइक खरीद के लेके जाएंगे, इसको लेके जाओगे आप? हाँ, चलो भाई। और पहले भैया चले गए थे गलत दुकान पे, नकली दुकान पे। हाँ। तो आप भी जब भी आओगे तो असली दुकान वही है जहाँ पर मैं खुद मिलता हूँ, 100 बातों की एक बात, जहाँ मैं मिल जाऊँ वो असली दुकान है, दैट्स इट। अगर आप मेरे पास काम कराने आ रहे हो तो, बाकी आप जहाँ से मर्जी करा सकते हो काम। तो भैया काम वगैरह कैसा लगा एक बार दोबारा बता दो। बिल्कुल बढ़िया काम हुआ। एग्जॉस्ट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि ये वाली बाइक जिन लोगों के पास भी है वो कम से कम 50 वीडियो देखते हैं, तब कहीं जाकर परेशान हो जाते हैं कि भाई अब क्या करें। दो एग्जॉस्ट सजेस्ट करूँगा, R1M और R9, आँख बंद करके ले लो, कहीं से भी लगवा रहे लगवा लो, बेस्ट साउंड आता है। कैसा लगा साउंड वगैरह? साउंड बहुत भी अच्छा है, ठीक है ना। तो भैया ये तो हो गई आपकी BMW G310 RR वाइट ब्यूटी, ऑल अबाउट टॉप नॉच मॉडिफिकेशन के साथ। बाकी इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे काम आप और करा सकते हो, ये एक छोटा सा नमूना है। फुल वीडियो के लिए या फिर और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हो, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।